इस वक्त कॉल की तरफ बढ़ते हैं और ये कॉल जो मैं अभी करने लगा हूँ ये बेसिकली इनका मैंने रिश्ता देखा है फेसबुक पे, इन्होंने अपलोड किया है। तो अभी ये भाई ने एक रिश्ता डाला है, तो इनसे ज़रा बात करते हैं। इनकी डिटेल मेरे मोबाइल में सेव है, तो इनसे बात करेंगे। मैं बाप हूँ लड़की का, तुम लड़की हो, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रऊफ अशरफ बात कर रहे हैं? जी, रऊफ बात कर रहा हूँ। क्या हाल है बेटा, कैसे हो आप? ये अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ, मैं जुल्फ़िकार हैदर बात कर रहा हूँ, कराची से। जी सर, बोलें। ये आपका ऐड देखा था मैंने, ये फेसबुक पे, ये आपने कोई रिश्ते का ऐड डाला था, उसके सिलसिले में बात करनी थी। मेरी एक बेटी, अकलौती बेटी है। अच्छा अच्छा, अपने बारे में थोड़ा बताओगे आप? मेरा नाम रऊफ अशरफ। वैसे तो जब मैंने BCom किया हुआ है, इधर मियाँ चौन में रहाइश है मेरी। मियाँ चौन, हमारी जॉइंट फैमिली है। और बेटा, और क्या आप करते, क्या रूटीन क्या है आपका? मैं एज ए ब्रांड मैनेजर जॉब करता हूँ, शू ब्रांड है हमारा, शूज एंड बैग के नाम से। अच्छा, आपका ये अपना कारोबार है या आपकी जॉब है? नहीं, जॉब है मेरी, प्राइवेट जॉब है। पापा की जॉब, पापा बैंक मैनेजर है। पापा बैंक मैनेजर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। और आपका घर अपना है बेटा आपका ये? हाँ जी, घर अपना है। अच्छा। और कितने बहन भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं बस। अच्छा, कोई बहन नहीं? 2 छोटे हैं मुझसे, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहन नहीं है। अच्छा अच्छा। और बाकी आपका सैलरी बेटा पूछते तो नहीं है, लेकिन सैलरी पैकेज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 40+ बन जाती है मेरी आम रूटीन में ना। 40+? अगर सीज़न अच्छा हो जाए तो फिर 50+ पे चली जाती है। 50+। मैं परेशान था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ, मैं काफ़ी परेशान था। वाइफ नहीं रही मेरी। क्यों? और अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसकी शादी के लिए काफ़ी वो थी, हमें बस लड़का, हमें वो था कि लड़का शरीफ हो और ये हो वो हो। आप बेटी से तब तक बात करो, सलाम दुआ कर लो। रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ज़रा बताएं कि आपको जॉब के अलावा खाना वगैरह बनाना आता है? अगर आप घर में अकेले हों तो कुकिंग वुकिंग कर लेते हैं? अगर कोई जी, मैंने आउट ऑफ सिटी मैंने मेरी आधी लाइफ मेरी यानी कि बाहर ही गुजर गया आउट ऑफ सिटी में। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए तो जानिए ये कि बना लेता हूँ, कभी एग वगैरह बना लिया, क्या क्या बना लेते हैं, तो कभी चाय वगैरह बना लिया। चाय वगैरह, खाना वगैरह नहीं बनाना आता? नहीं। घर भर के काम कर लेते हैं आप? लाइक जैसे? जी अल्लाह का शुक्र, घर भर के काम जैसे कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, और छोटा मोटा जैसे थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा, लाइक अगर घर? नहीं, इन सब चीज़ों के लिए कंपनी ने हमें ना वहाँ पे पर्सन अवेलेबल किया हुआ है, तो हम उसको कपड़े वगैरह दे देते हैं, वो धो के। नहीं, जैसे अगर सम टाइम ना हो, क्योंकि मैं तो अपने घर में लाडली हूँ ना अपने पापा की, तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। बस आपका ऐड देखा और आपकी बायो में जो लिखा हुआ था उससे मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी है, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग यू। तो बेटा, मैं बात कर लूँ? जी पापा, बात। जी बेटा रऊफ, हेलो। जी अंकल। जी बेटा, तो ये है कि आप बेटा, ये मेरी बेटी थी और बस मैं वही कह रहा था, परेशान रहता था मैं। और मैं अपने वालिद साहब से आपकी बात करवा दूँ, फिर जैसे आपको ठीक लगे आप फिर वो कर लीजिएगा। ठीक, आपके वालिद साहब आप वीडियो कॉल पे भी बात कर लोगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बेटा, बड़ों से। हाँ, वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, ज़्यादा ईजी, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मुनासिब रहेगा कि आप भी हमें देख लो, हम भी आपको देख लें। असल में अब मैं आपको काम की जो असल बात ये है कि बेटा, मैं आपको बता रहा था कुछ देर पहले कि मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, और अल्लाह का ये था कि मैं किसी तरह से इसका रिश्ता हो जाए। तो आप इसके भाई बन जाओगे बेटा? जी, आप मेरे भाई बन जाएंगे प्लीज़, क्योंकि एक जगह ऑलरेडी रिश्ता तो हुआ हुआ है, पर मेरे जो घर में कोई बेटा है नहीं, एजड है और घर में कोई है नहीं, तो जैसे काम वगैरह अगर आप बन जाएं तो हम आपको टिकट्स वगैरह भेज देंगे और आपका जो भी एक्सपेंस होगा पर कर लेंगे। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। मैं दरअसल आपने ना मेरे ख्याल नंबर गलत दे के डायल कर लिया होगा। नहीं नहीं, नंबर तो सही देख के डाल। तो बेटा आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। नहीं, वो चेहरे पे आप भाई भाई लग रहे थे इसको ना, मेरी बच्ची को। हेलो, काट दी कॉल, काट दी। कह रहा भाई नहीं बनूंगा, भाई नहीं बनूंगा। मैं बात करता हूँ इससे। हेलो रऊफ बेटा, आपने कॉल काट दी। हाँ जी, मैंने कॉल इसलिए काटी है कि ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो आपकी बेटी ने बात की है, वो आपको लगता है कि काबिल है, यानी कि मतलब बेटा मैं समझा नहीं आपकी बात। आपको एक नौकर चाहिए, पढ़ा लिखा नौकर चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, भाई बोला हमने। मेरा कोई बेटा होता तो यहाँ खड़ा होता, मेरे साथ होता, मेरा बाजू बन के साथ घूमता, लेकिन भाई इसका कोई नहीं है, अकलौती है। मैंने बताया मेरी बेगम नहीं रही तो मैं तो, उन्होंने कहा है घर दो डंगर में कपड़े धोने नहीं आते, वो धोने के लिए चाहिए। अरे नहीं नहीं ये इन बातों करने के लिए चाहिए नहीं बेटा, इन बातों को इग्नोर करो। ये तो ऐसी बात कर रही थी तुमसे। असल में शादी के घर में बेटा बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, तो आप भाई भाई से अपने से लगे, इसलिए आपको बोला। नहीं अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा आप मेरी बात सुने। हेलो, मैं रऊफ भाई, मैं कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ। मैं कटाकट बना रहा था, ये प्रैंक कॉल थी। अच्छा मुझे अंदाजा हो चुका था, अंदाजा हो चुका था। चले चले, अपना ख्याल रखें। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आपका अच्छा रिश्ता करवाए। आमीन सुम आमीन भाई, अल्लाह हाफिज। बोल देखना ना भूलिएगा। नहीं लेकिन ये फंस गया था, इसने तभी कॉल काटी, वरना ये जेब में डाला है यार आखिर में। लेकिन खैर है, इस तरह होता है, इस तरह के कामों में बंदा जब बनता है। तो मुझे तो पता था, मुझे तो पहले से पता था। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।